गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर फ्रॉम अनुज एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग उसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब उसका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन और आई में से कोई होगा तो उसके पहले वाज लगेगा, और यू वी दे तथा प्लूरल नाउन में से कोई होगा तो उसके पहले वर लगेगा, फिर इसके बाद बीइंग लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लगेगा अगर इसकी आवश्यकता होगी तो, फिर इसके बाद क्वेश्चन साइन लगेगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है, गायों को क्या खिलाया जा रहा था। इस वाक्य के अंत में आ जा रहा था आया हुआ है, और क्या प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, फिर इसके बाद गायों का होता है द काउज, तो काउज के लिए बर लगेगा तो व्हाट बर द काउज, इसके बाद बीइंग लगेगा, खिलाना होता है फीड, फीड की थर्ड फॉर्म फेड हो जाएगी तो व्हाट वर द काउज बीइंग फेड। दूसरा है, तुम्हें कब पढ़ाया जा रहा था। इस वाक्य के अंत में आ जा रहा था आया हुआ है, और कब प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी वेन, और तुम्हें का होता है यू, यू के लिए वर लगता है तो यू के पहले वर लिखेंगे, इसके बाद बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पढ़ाना टीच होता है, टीच के थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी तो व्हेन वर यू बीइंग टॉट। तीसरा है, उसे क्यों पीटा जा रहा था। इस वाक्य के अंत में आ जा रहा था आया हुआ है, और इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी वाई, और उसे का होता ही तो इसके साथ वाज लगेगा जो इसके पहले लिखा जाएगा, और ही के बाद बीइंग लिखा जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीटना का बीट होता है, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी तो वाई वाज ही बीइंग बीटन। चौथा है, उसे कहाँ ले जाया जा रहा था। इस वाक्य के अंत में आ जा रहा था आया हुआ है, और कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी वेयर, और उसे का होता है ही, ही के लिए वाज आता है तो इसके पहले वाज लिखा जाएगा, और ही के बाद बीइंग लिखा जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ले जाना का होता है टेक, टेक टू टेकन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी तो वेयर वाज ही बीइंग टेकन। उसे गाली क्यों दी जा रही थी, तो इस वाक्य के अंत में ई जा रही थी आया हुआ है, और क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी व्हाई, और उसे का होता ही के साथ वाज आएगा तो ही के पहले वाज लिखा जाएगा, फिर इसके बाद बीइंग लिखा जाएगा, और गाली देना का अब्यूज होता है, इसकी थर्ड फॉर्म अब्यूज हो जाएगी तो वाई वाज ही बीइंग अब्यूज्ड। आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा था, तो इस वाक्य के अंत में आ जा रहा था आया हुआ है, और क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी वाई, और आपको कहा हो जाएगा यू, यू के लिए वर लगता है तो यू के पहले वर लिखा जाएगा, फिर इसके बाद बीइंग, और गिरफ्तार करना का अरेस्ट होता है, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड तो वाई वर यू बीइंग अरेस्टेड। अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वर, ऑब्जेक्ट अगर ही सी तथा सिंगुलर नाउन या आई होगा तो उसके पहले वाज लगेगा, अगर बी दे यू तथा प्लूरल नाउन होगा तो उसके पहले वर लगेगा, फिर इसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट अगर इसकी आवश्यकता होगी तो, और फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन साइन लिखा जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहला है, क्या तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था। तो इस वाक्य के अंत में आ जा रहा था आया हुआ है, उसमें
नहीं भी लगा हुआ, इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। तो तुम्हें की अंग्रेजी यू होती है, यू के साथ वर लगता है, इसलिए वर को हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो वर यू नॉट बीइंग, इसके बाद वर की थर्ड फॉर्म लगेगी, पीटना का बीट होता है तो बीट बीट बीटेन, तो वर यू नॉट बीइंग बीटेन। दूसरा है उसे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो इस वाक्य के अंत में आ जा रहा था आया हुआ है, और इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है और उसमें नहीं भी लगा हुआ, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी व्हाई, और उसे का होता ही तो ही के लिए वाज आता है जो उसके पहले लिखा जाए, और फिर ही के बाद नॉट लिखा जाएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ाना का टीच होता है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, तो व्हाई वाज ही नॉट बीइंग टॉट। तीसरा है क्या पत्र नहीं लिखा जा रहा था, तो इस वाक्य के अंत में आ जा रहा था आया हुआ है, और इस वाक्य की शुरुआत क्या से और इसमें नहीं भी आया हुआ है, तो पत्र पत्र का लेटर हो जाएगा, और इसके बाद जो है वाज लगता है, तो चूंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है इसलिए वाज को उठा के पहले लिखें, तो वाज अ लेटर नॉट बीइंग, फिर बल्कि थर्ड फॉर्म, लिखना का राइट होता है तो राइट रोड रिटर्न हो जाएगा, तो वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटर्न। चौथा है आप लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा था, तो इस वाक्य के अंत में आ जा रहा था आया हुआ है, और इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ और इसमें नहीं भी लगा हुआ, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी वाई, और फिर इसके बाद कुछ नहीं किया जा रहा था, इसकी अंग्रेजी बनेगी, तो कुछ नहीं को होता है नथिंग, नथिंग के बाद वाज लगता तो उठा के पहले कर दी, तो वाई वाज नथिंग, और फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, करना का डू होता है, डू डिड डन, तो वाई वाज नथिंग बीइंग डन फॉर यू। पांचवा है क्या गाना नहीं गाया जा रहा था, तो इस वाक्य के अंत में आ जा रहा था आया हुआ है, और इसमें नहीं भी आया हुआ है, और इसकी शुरुआत इस वाक्य की क्या से हुई है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो गाना होता है सॉन्ग, तो सॉन्ग के लिए वाज लगता है, क्योंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से है, तो वाज उठा के पहले लिख देंगे, तो वाज द सॉन्ग, इसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाना होता है सिंग, तो सिंग सैंग संग, इसका हो जाएगा वाज द सॉन्ग नॉट बीइंग सन। छठा है क्या पेड़ नहीं काटे जा रहे थे, तो इस वाक्य की के अंत में ए जा रहे थे आया हुआ है, और उसकी शुरुआत क्या से हुई और उसमें नहीं भी आया हुआ, पेड़ बहुत से हैं तो ट्रीज हो जाएगा, तो ट्रीज के लिए वर लगेगा, तो वर को उठा के पहले लगा देंगे, तो वर द ट्रीज नॉट बीइंग, काटना का होता है कट, कट की थर्ड फॉर्म कट हो जाएगी, तो वर द ट्रीज नॉट बीइंग कट। तो बच्चों आज यहीं तक, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो घंटी का बटन दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।